नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आपके नाम का भाग्य अब लिख चुका है और विधाता का लिखा हुआ कोई भी नहीं मिटा सकता है। आपकी जानकारी में बता दें कि बहुत बड़ा चमत्कार होगा और दुख का नाम और निशान ही मिट जाएगा। इसमें आपके जीवन में अनेकों परिवर्तन नजर आने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके साथ ही आपके दुश्मन की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। आपकी ज़िंदगी में दोस्तों खुशियों की नदियाँ बहने वाली है जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसके साथ ही साथ बता दें दोस्तों, हर कार्य में आपकी सफलताएं आपका इंतज़ार कर रही हैं जो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। दोस्तों बता दें कि आपको बता दें कि किसी ने पूछा कि कोई अपना छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे। दोस्तों बता दें, किसी ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया कि अपना कभी भी छोड़कर नहीं जाता है और जो छोड़कर चला जाता है वो कभी अपना नहीं होता है। दोस्तों जब लोगों की कड़वी बातें भी आपको मीठी लगने लग जाएं और दोस्तों दुख के बाद में भी आप मुस्कुराना सीख लें तो समझ लीजिए कि आपको जीवन जीने का बेहतर तरीका आ गया है। याद रखें कि कुएं में डाली गई बाल्टी भी तभी भरती है जब वह थोड़ा झुकती है। ज़िंदगी का नियम भी यही होता है, जो झुकता है और वही पाता है और वही इंसान ज़िंदगी में आगे भी बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं कि आपका राशिफल किस प्रकार से रहने वाला है। दोस्तों आपका कोई काम यदि अधूरा है तो किसी शुभचिंतक की मदद से वह आगे बढ़ सकता है। पारिवारिक व्यवस्था को आपको बेहतर बनाने का प्रयास काफ़ी सफल रहेगा। कार्यात्मक कार्यों में आप रुचि ले सकते हैं। मन मुताबिक समय व्यतीत करने से आप फ्रेश और तनाव मुक्त रहने वाले हैं तथा दोस्तों दिन भर की व्यवस्था के कारण थकान थोड़ी हावी रहेगी। आज दोस्तों आप लोगों को बता दें, रिश्तेदारों को व्यक्तिगत मामलों में आप ना उलझें वरना आप किसी बड़ी दुविधा में किसी तरह से फंस सकते हैं जिसका असर परिवार पर पड़ेगा। और दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको बता दें, कर्मचारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखें क्योंकि दोस्तों आपकी लापरवाही से कर्मचारी काम पर ध्यान नहीं देंगे। नई योजनाओं के क्रियान्वित करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार विमर्श अवश्य कर लें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। आपसी सामंजस्य बना रहेगा, यहाँ तक कि संबंधों का प्रभाव भी आपके घर के सुख शांति पर भी पड़ सकता है। कभी कभार आपकी दोस्तों विचलित मानसिकता का नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर पड़ता है। अच्छी संगति में रहें और तथा प्रगति के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। बस दोस्तों आपसे यही निवेदन है कि आप आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि प्रत्येक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को मिल सके। दोस्तों कहने का औरा शब्द बहुत छोटा होता है लेकिन दोस्तों एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का ही हाथ होता है। दोस्तों ये बात तो आप सभी ही जानते हैं कि महिला चाहे जिंदगी को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो वह जिंदगी को नर्क भी बना सकती हैं। महिलाएं दोस्तों माँ लक्ष्मी के स्वरूप होती हैं। दोस्तों महिलाओं को आप भूल करके भी अपमानित करने की गलती ना करें। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि किस प्रकार आपको इनका साथ नहीं छोड़ना है और इस बीच में आपको क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं, इसकी खास जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों आप अपने जीवन का कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। देखिए वक्त रहते अगर आप इस चीज़ को जान लेंगे तो आपका जीवन इतना सुंदर होगा कि शायद ही किसी और का हो सके। याद रखिएगा दोस्तों, एक आध्यात्मिक व्याख्या आपको बताते हैं कि जब आप अपने पिछले जन्म के किसी साथी से मिलते हैं या आप उसके नज़दीक जाते हैं तो आपकी ऊर्जा का क्षेत्र पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से ऊर्जा में बदल जाता है। और दोस्तों आपका छद्म ग्रह जैसे राहु और केतु के प्रभाव आपके ऊपर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। इसका स्पष्ट प्रमाण आपने कभी कभार ऐसा महसूस किया होगा कि कभी कभी आप बड़े ही नकारात्मक हो जाते हैं, यानी कि आपका मन पूरी तरह से खराब होता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप इस महिला के संपर्क में आते हैं जो दोस्तों जिनसे आपका पिछले जन्म का नाता है, उनके साथ आते ही आपके जीवन में अच्छे और शुभ परिवर्तन होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी, इसके साथ ही आने वाले समय में बहुत ज़रूरी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है दोस्तों
कि आपको सच्चा प्यार करने वाले लोग आपके आसपास हैं तो उन्हें किस प्रकार पहचाना जाए। और दोस्तों इसके साथ ही साथ बता दें कि आप लोगों को अपना ही समझिए, उन्हें गैर समझने की गलती ना करें, तभी दोस्तों आपको अपने पिछले जन्म का साथी मिल पाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, कर्म प्रधान यानी कि जो शनिदेव हैं उनकी कृपा दृष्टि भी आपके ऊपर है। देखिए, जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे फल अवश्य ही प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि केवल मेहनत करने से ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों परिणाम कैसे देना है ये मैंने दोस्तों अपने हाथों में रखा है। याद रखिएगा, इस संसार में हमें कर्म करना है लेकिन ईश्वर को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करना है, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको आपके पिछले जन्मों के साथी की कुछ खास पहचान बताते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप इस महिला के संपर्क में आएंगे तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का आभास होने लग जाएगा। आपका मन बिना ही किसी बात के प्रसन्न होने लग जाएगा। आपके यदि काम कोई बिगड़ भी रहा है तो वह भी जल्द से जल्द पूरा और अच्छी तरह से होने लगेगा। इसका दोस्तों एकमात्र कारण केवल और केवल ये व्यक्ति ही है, लेकिन कई बार दोस्तों आप अपने जीवन में कुछ ऐसे ग्रह के प्रभाव में फंस जाते हैं कि आप लोगों से कट ऑफ कर देते हैं यानी कि लोगों को छोड़ देते हैं। तो अब हम आपको कुछ ऐसी सावधानियां बताएंगे कि आप अपने पास सकारात्मक लोगों को किस प्रकार पहचान सकते हैं और आप उनसे कैसे जुड़े रह सकते हैं, उनके आसपास रख सकते हैं। याद रखिएगा, गुस्से पर खासकर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, फिर आप देखेंगे कि जल्दी ही आपको अपने करियर में, आपके बिजनेस में एक अद्भुत सफलता आपके हाथ लगेगी। दोस्तों एक और बात आपको हम बता दें कि आपको इस समय बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी नहीं बोलना है, यानी कि आपको सामाजिक बर्ताव बहुत सोच समझ कर करना होगा, वरना आप व्यर्थ की बहस और विवादों में पड़ सकते हैं, जिससे आपकी समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद हो जाएगी। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी सलाह देना चाहेंगे कि थोड़ा समय आपको अकेले में रहना सीखना है, आपको अपने ऊपर थोड़ा सा समय खर्च करना होगा, या फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि थोड़ा बहुत समय आपको निकालना होगा और उस खाली समय में दोस्तों आप कोई भी धार्मिक गीत सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, तभी आपका मन शांत होगा। आप योगा प्राणायाम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत खर्चरत भी आप अपने जीवन में कर सकते हैं। वैसे दोस्तों शारीरिक दृष्टि से आप मजबूत हैं, अभी आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप खान पान के मामले में थोड़ी सी लापरवाही यदि दिखाते हैं जिससे आने वाले समय में आपको शारीरिक कष्ट का सामना हो सकता है, इसलिए दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा व्यायाम और योग पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी आप अपने जीवन में अच्छे और शुभ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बता दें आपको, आपका कुछ स्वभाव भी है जो आप लोग को थोड़ा सा मुश्किल में डाल देता है, जैसे दूसरों के प्रति आपकी सहायता करने का स्वभाव आप लोगों को दोस्तों आपके विनाश का कारण बन सकता है किसी किसी समय पर। लोगों की मदद यदि आप करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं धोखा मिलता है, इसलिए सावधान रहें। किसी भी मामले में यदि पैसों का लेन देन हो, कोई भी कार्य आप किसी के साथ में मिलजुल कर रहे हो, तो भी सावधान जरूर रहें, धोखा मिल सकता है। कोई अपने सीक्रेट्स किसी के सामने लीक ना करें। जो कार्य करना चाहते हैं या कहीं आना जाना चाहते हैं तो अपने तक सीमित रखें। कोई गुप्त बातें आपको अपने करियर से संबंधित हो, उन्नति से संबंधित हो या कार्य क्षेत्र से संबंधित हो तो अपने से सीमित रखें, किसी के सामने उजागर ना करें, वरना लोग कोई गलत फायदा उठा सकते हैं, इस चीज़ का सावधान रहना है। दोस्तों आपको बता दें कि लाभ की स्थितियां तो बन रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ खर्चों पर भी नियंत्रण आपको रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थी को भी जो है अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। याद रखिएगा दोस्तों, मौज मस्ती में अपना समय नष्ट ना करें। दोस्तों किसी भी प्रकार का आप लोगों को ऐसा कार्य नहीं करना है मौज मस्ती में कि जिससे आप लोगों को नीचा देखना पड़े या घर वालों को आपकी वजह से दिक्कत हो। आपको अपने उन्नति के प्रति सचेत रहना है, करियर के प्रति सचेत रहना है, ये नहीं कि आप समय नष्ट करें मौज मस्ती के रूप में। किसी भी प्रकार का समय नष्ट करने की गलती ना करें। और इसके साथ ही साथ आप लोगों को प्रेम संबंधों से जुड़ी बात बताऊं तो ये समय होगा दोस्तों जब वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और पारिवारिक मामलों में भी आप लोगों को काफ़ी दोस्तों हस्तक्षेप रह सकता है। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा, जीवन साथी का स्वभाव भी काफ़ी हद अच्छा रहेगा और आपको अपने घर वालों का पूर्ण सहयोग मिलेगा।
जो आपको आगे बढ़ने के लिए काफी हद तक प्रेरित कर सकता है। दोस्तों, सकारात्मक विचारधारा को आपको अपने ऊपर लाना है। हालांकि दोस्तों, आपके कुछ कार्यों में विलंब हो सकता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को संकट से बचाने के लिए आप प्रयास करते रहिए। बस आप अपने वस्तु को संरक्षित करके रखें और आप आसानी से दोस्तों पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आपके शरीर ने आपका बहुत साथ दिया है, लगातार शरीर आपका काम करता रहता है, इसलिए आपका भी दोस्तों ये फ़र्ज है कि आप लोग अपने शरीर के लिए कुछ खास चीज़ करें। आपको एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करनी है, योगा का सहारा अगर आप लें तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की बात आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।